बताए, आप जब पढ़ाई करने लगोगे ना, आप 1 महीना पढ़ लोगे, 2 महीना पढ़ लोगे, 2.5 महीना पढ़ लोगे, 3 महीना पढ़ लोगे, 4 महीने भी पढ़ लोगे, उसके बाद आपको क्या होता है कि हर एक ह्यूमन टेंडेंसी होता है कि हमको उन सब चीजों से बोर लगने लग जाता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमारा जो मोनोटोनस हो जाता है, हमारा काम जो है वो मोनोटोनस हो जाता है। लेकिन आपको अगर सक्सेस चाहिए, आपको अगर गवर्नमेंट जॉब लेना है, तो आपको उसी मोनोटोनस काम को करते रहना है। ठीक है, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने सपोज उस काम को 2 महीने किया, फिर आप मस्त चिल बैठे हो, अपनी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दिया, आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो ऐसे रिजल्ट नहीं मिलता है। थोड़ा सा बोर हो रहे हो तो बोर हो जाओ। आप आज जो प्रैक्टिस कर रहे हो, आज जो आप पढ़ाई कर रहे हो, उसका फल आपको 5-6 महीने बाद मिलेगा। आपको अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छा रेस्पेक्टफुल जॉब मिलेगा, अच्छा सैलरी पैकेज वाला जॉब मिलेगा, वो आप सोचोगे तो आपका पढ़ाई करने का मन अपने आप आएगा। और हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों के पास एक्चुअली पढ़ाई करने के अलावा कुछ दूसरा ऑप्शन नहीं रहता है। अगर आप दूसरे फील्ड में टैलेंटेड हो तो अलग बात है, लेकिन आप नहीं हो तो आपको पढ़ाई करना चाहिए। आपको अगर आप उस एग्जाम को एम कर रहे हो तो आपको मोनोटोनस काम को आपको 5-6 महीने कंटिन्यूस करना चाहिए, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा।